हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बनाना पील्स जो कि केले के छिलके हैं उनका यूज गार्डन में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये किचन वेस्ट है जो हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि गार्डन में इसका यूज कैसे होगा। अब हम एक सीजर लेते हैं और ये केले के छिलके जो हैं इसे टुकड़ों में कट करते हैं। आपको जो है इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, क्योंकि डीकंपोज होने में ही मदद मिलेगी। अब देखिए, हमने इसके छोटे पीसेस बना दिए हैं। अब इनको जो है हम गार्डन में यूज करेंगे। आपको वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी किचन वेस्ट हो या कोई फल सब्जी हो, आपको उसका यूज करना है गार्डन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे पौधों के साथ इसे यूज किया जाएगा। आपको थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है इसमें से। ऐसे ही आपको थोड़ा सा खोदना पड़ेगा, मिट्टी निकालनी होगी। अब जो आपने ये होल बना दिया है, डिग किया है, उसके अंदर हम थोड़े से पील्स डालेंगे, बनाना पील्स। पील्स डालने के बाद आपको फिर से उस पर मिट्टी जो है ढकनी है। अगर आप ऐसे यूज करेंगे किचन वेस्ट का, तो आपको फर्टिलाइजर्स जो है वो बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे जो है वो वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपको यूज करना है, यानी कि ये फर्टिलाइजर जो है आप खुद घर पे बना सकते हैं। अब जो ये केले के छिलके हैं वो हम पूरे गार्डन में डालेंगे सारे पौधों को, ताकि उनको अच्छा फर्टिलाइजर मिल सके और वो अच्छे से ग्रो कर सकें। अब आप ये देखिए मेरे गार्डन में जो है कितने फूल खिले हैं पौधों को, क्योंकि इसका रीज़न भी यही है कि मैं इसमें घर का जो किचन वेस्ट है
उनमें डाल देता हूँ, यानी कि फर्टिलाइजर ऐसा ही एक काम करता है। चलिए अब इसे भी हम केले के जो छिलके हैं वो डाल देंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा गड्ढा यहाँ पे खोद लिया है। ध्यान रहे कि आप इसे पौधे के पास ही खोदें, जो फर्टिलाइजर जो डिकम्पोज होगा वो केले के छिलके फर्टिलाइजर उन्हें मिल सके। कैसे ही गड्ढा खोदा है, अब आप उस पर मिट्टी फिर से ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए। आप देखिए मैंने इस पर मिट्टी जो है ढक दी है। इसी तरीके से हम और एक गड्ढा खोद लेते हैं। ये देखिए इसमें भी हम केले के छिलके डाल देंगे। इसे भी ढक लेते हैं। ध्यान रहे कि आप इसे ढक लें क्योंकि डिकम्पोज होने में से मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको जो है मेरे नए वीडियो भी आ जाएंगे जो आपको देखने हैं अपने गार्डन की खूबसूरती के लिए। तो बाय फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।